अभी जस्ट मैंने अपना लास्ट वाला वीडियो एंड करा और यहीं से ये न्यू वाले वीडियो को भी स्टार्ट करता हूँ और यहीं से मैं इस दुरंतो एक्सप्रेस के सेकंड एपिसोड को स्टार्ट करता हूँ। और अभी तक आप लोगों ने वीडियो में देखा कि मैंने लंच किया, लंच करने के बाद अगर आपने मेरा लास्ट वाला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा क्या हो रहा है। ये जो झटका है भाई साहब, ये झटका से हम लोग परेशान है। पूरे जर्नी ये चीज हम लोग को परेशान करे हुए रखा। अभी तक हमारा हावड़ा से 700 किलोमीटर का जर्नी ऑलरेडी हो चुका है, पिछले 700 किलोमीटर से ये झटका आया जा रहा है। वैसे अभी भी मुंबई के लिए 1200 किलोमीटर बाकी है, अभी बहुत लंबा जर्नी है। और ट्रेन हमारा हो चुका है 1.5 घंटे लेट। मुझे नींद आ रहा था लेकिन अभी नींद अचानक से भाग गया, पता नहीं क्यों। लेकिन नहीं, थोड़ा सो जाऊंगा नहीं तो तबीयत ना खराब हो जाए। और अभी तक आप लोगों ने लास्ट वाले वीडियो में देखा, सबसे पहले सुबह हमारा ब्रेकफास्ट आया मॉर्निंग के 5:45 में। ये हावड़ा से निकलता है, इस ट्रेन का हावड़ा से निकलने का जो टाइम है 5:45 सुबह का है और अभी टाइम देख लो कितना हो रहा है, 3:49। लगभग ट्रेन में बैठे बैठे 10 घंटे हो गए अभी तक। तो ये जो झटका है हम लोगों ने बस 10 घंटे तक ही झेला है, और भी 17 घंटे तक ये झटका हम लोगों को झेलते हुए जाना है, क्योंकि इसका जो मुंबई पहुंचाने का टाइम है वो सुबह के 8 बजे का है, लेकिन जो हमारा ट्रेन है वो चल रहा है 1.5 घंटे लेट। कब पहुंचाएगा कब नहीं इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी ये हो सके मेकअप कर दे शायद। फिलहाल अभी थोड़ी देर में ये लोग स्नैक्स वगैरह भी सर्व करने वाले हैं, उसके बाद क्या क्या देते हैं क्या क्या नहीं वो तो आपको पता चलेगा ही। और जैसा कि मैंने लास्ट वाले वीडियो में आप लोगों को कहा था कि इस वाले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा हम लोगों ने डिनर के लिए पेंट्री कार में क्या बोला है बनाने के लिए और वो बनता है कि नहीं बनता है। हमारा प्लान है कुछ इंडो चाइनीज बनवाने का, लाइक फ्राइड राइस, चिली चिकन या फिर चिली पनीर। देखते हैं ये बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। वैसे तो मैंने बोला है तो बोल रहे थे कि हाँ हो जाएगा। तो इस दुरंतो के एपिसोड 1 में मैंने ऑलरेडी इसका टूर दे रखा है, फिर भी अगर आपको देखना है तो देख लो, यही मेरा कूप है। और एक खास बात पता है क्या है, जब मैं मुंबई से हावड़ा आया था तब भी मुझे ई नंबर कूप मिला था और अभी भी मुझे ई नंबर ही कूप मिला है। उस समय भी मुझे 13 नंबर सीट मिला था और अभी भी मुझे 13 नंबर ही सीट मिला है। ये क्या चमत्कार है पता नहीं, लेकिन हाँ जब भी मैं आता हूँ मुझे ई नंबर ही कूप मिलता है। पापा इधर उठ गए, तब कैसा नींद हुआ? वो झटका देखा, अब टॉयलेट करने गए मतलब ऐसे हो रहा है ना, आगे पीछे धड़ाम करके सामने बड़ा माता डर, आगे पीछे जेट स्प्रे यूज कर रहा था हो रहा कहीं और अब क्या ही बताऊं मैं, मतलब इतना ये मालगाड़ी वाला डब्बा लग रहा है मेरे को, समझ में नहीं आ रहा इतना झटका। देखो पता नहीं, इतना तो नॉलेज नहीं है ट्रेन को लेकर क्यों ऐसा हो रहा है, बहुत झटका लग रहा है। और पता नहीं वॉशरूम लोग कैसे जा रहे हैं, जो बुजुर्ग लोग है पापा इधर वो तो नहीं जा पाएंगे वॉशरूम। तो वैसे देख लो बिलासपुर का इसका टाइम था 2:55 का, लेकिन अभी देख लो 3:56 हो गया। वैसे तो दिखा रहा है ये 4 बजे तक पहुंचेगा, काफी लेट हो गया, अभी 11 किलोमीटर दूर है यहाँ से बिलासपुर। इसके बाद जो इसका स्टॉप है रायपुर जंक्शन, फिर रात के 8:50 में ये रुकेगा नागपुर जंक्शन में, फिर एक ही बार रात के 1:45 में भूसवल जंक्शन। अच्छा, भूसवल के बाद एक ही बार ये रुकेगा 8:15 सुबह, भाई साहब। तो बस यही है, ट्रेन एकदम मस्त चले जा रहा है। अब एक ही बार जब बिलासपुर आता है तब स्टेशन में जाके आपको दिखाते हैं। ऑलराइट, तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बिलासपुर जंक्शन। 5 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पे, ट्रेन तो 1.5 घंटे लेट है चलेगा, लेकिन वो जो झटका लग रहा है ना बीच बीच में वो काफी दर्दनाक है, वो अगर ठीक हो जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं। फिलहाल चलो 5 मिनट हो गया, अब अंदर चल जाते हैं। वैसे आप में से काफी लोग बोलते हो कि मोहित भाई आप थोड़ा स्टेशन के बारे में भी इन्फॉर्मेशन दिया करो, क्या है क्या नहीं है। भाई देख लो यहाँ पे गूगल में मैंने विकिपीडिया खोल के रखा है, तो ये स्टेशन है, क्या क्या कहाँ कहाँ कैसा कैसा क्या क्या चीज है सब आपको इसमें मिल जाएगा। अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप विकिपीडिया में सर्च कर लेना, जो भी मैं स्टेशन दिखाऊंगा। फिर अगर मैं इसको बताने लगूंगा ना तो वीडियो बहुत लंबा खींच जाएगा। फिलहाल हमारा ट्रेन बिलासपुर से निकल चुका है। हाँ जी, तो बिलासपुर से तो मस्त हमारा ट्रेन चले जा रहा है, होप कि ये ऐसा ही स्पीड मेंटेन रखे आगे। और अभी थोड़ी देर में आ जाएगा रायपुर, तो वो भी दिखाएंगे आपको। फिलहाल अभी हमारा शाम का स्नैक्स आ गया, भाई बहुत कुछ देकर गया है वो, मैं दिखाता हूँ आपको क्या क्या है। ऑलराइट, तो ये आ गया हमारा स्नैक्स, भाई बहुत कुछ आया है, बहुत कुछ। तो देख लो यहाँ पे एक सैंडविच है, साथ में कचौड़ी है, यहाँ पे निकाल कर भी रखा हुआ है, कचौड़ी, सैंडविच, सोन पापड़ी, आलमंड्स, ये क्या है, डाइट मसाला, मुरमुरा, मुरमुरा सेव, ये मुरमुरा सेव है कुछ, इसको तो हम लोग चीरा भाजा बोलते हैं। वैसे ये टिकट है, लेकिन हम लोगों ने कॉफी किट मांगा है, वो भी 2 करके। तो सबसे पहले ट्राई करता हूँ इस कचौड़ी को, गर्मा गर्म कचौड़ी है बाय द वे ये।
ये जो है ना खस्ता कचौड़ी है, इसके अंदर का जो स्टफिंग है ना उसके वजह से काफी अच्छा लग रहा है। ये गर्मा गर्म है, इसके साथ चाय मिल जाता तो क्या ही कहना है, लेकिन ट्रेन में अच्छा चाय मिलने का उम्मीद बहुत ही कम है। हींग की कचौड़ी भी आप बोल सकते हो, अंदर में हींग का भर भर के फ्लेवर आ रहा है। वैसे आजकल तो पता ही होगा मोहित के वर्ल्ड फेमस सैंडविच का कितना जलवा है हर जगह, तो रेलवे ने इंस्पायर्ड होकर अब सैंडविच भी देना स्टार्ट कर दिया है। देखते ट्राई करके कैसा है। अंदर में भर भर के मेयोनीज है, अच्छा लग रहा है यार। ब्रेड भी एकदम फ्रेश है, बहुत बढ़िया। और ये कचौड़ी मैंने ट्राई किया था भाई, मस्त है। इससे भी अच्छा मुझे ये सैंडविच लगा। ये जो सैंडविच है ना कमाल का है। अंदर मैं दिखा देता हूँ एक बार, थोड़ा बहुत ब्लैक पेपर भी है, अच्छा लग रहा है। काफी अलग अलग टाइप का ऑप्शन है, ये अच्छा लगा, कुछ अलग देखने मिला इसमें प्लेट में। नहीं तो वही हमेशा सेम एक ही टाइप का चीज सब मिल रहा था, लेकिन हाँ अभी काफी हद तक अलग देखने मिला है बहुत कुछ। वैसे देख लो हमारा ये कॉफी किट देकर चले गए। एक्स्ट्रा पाउडर मिल्क का पैकेट भी हम लोगों ने ले लिया एक एक करके, इसके अंदर भी एक एक रहता है। ये जो है ना सॉल्टेड आलमंड्स है, अच्छा लग रहा है। और वैसे अभी बाहर का माहौल भी देख लो काफी मस्त हो गया है, यहाँ से उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, वहां से काफी कमाल का नजारा आ रहा है क्योंकि अभी सनसेट का टाइम हो गया है ना। वो जो एक पूरा आसमान हल्का सा ऑरेंज हो जाता है ना वैसे ही हो रखा है वहां पे, तो जल्दी से इसको खा के बाहर भी जाना है बाहर का कुछ शॉट सब लेने के लिए। अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं रायपुर और ट्रेन जो है लगभग एक घंटे लेट है। वैसे भी बाहर का नजारा देख लो क्या कमाल का लग रहा है ना। एक काम करो, इस चीज को आप लोग स्लोमो में देखो। अभी टाइम देख लो कितना हो रहा है, 5:43 में हम पहुंच चुके हैं रायपुर जंक्शन। और हमेशा की तरह यही बात बोलूंगा, स्टेशन बहुत ही क्लीन है। तो देख लो अपना खाना पीना छोड़कर हम लोग चले गए थे आप लोग को स्टेशन दिखाने के लिए। यहाँ पे बस शायद 2 मिनट का हॉल्ट था, तो बस रायपुर स्टेशन से भी हम लोग निकल चुके हैं, यहाँ से रायपुर सिटी भी दिख रहा है पूरा। ऑलराइट, तो अभी टाइम हो रहा है 6:54। अभी ये जो ट्रेन का अगला स्टॉप है ना वो एक ही बार नागपुर है। साथ ही देख लो यहाँ पे आ चुका है चिकन पकौड़ा। ये जो है ना ये आपको टिकट में इंक्लूड नहीं मिलता है, इसको आप अलग से ले सकते हो। जैसे कि मैंने कहा कि एंट्री कार हमारे सामने ही है, वहाँ पे उन लोगों ने मुझे बोला था कि अगर आपको कुछ खाना हो तो आप बताइएगा, यहाँ पे बन जाएगा। मैं भी गया था उनके पास कटलेट लेने के लिए और मैंने उनसे पूछा कि और क्या क्या ऑप्शन है, उन्होंने कहा कि चिकन पकौड़ा भी हो जाएगा। मैं बोला ठीक है बना दो। तो देख लो ये 60 रुपीज पर प्लेट चिकन पकौड़ा, तो चलो ट्राई करते हैं ये चिकन पकौड़ा, बताते हैं कैसा है ये। ये थोड़ा सा मैं पहले केचप लगा लेता हूँ, देखते हैं पकौड़ा कैसा है ये। ट्रेन के हिसाब से ये जबरदस्त पकौड़ा है, ट्रेन में चिकन पकौड़ा वो भी इस टाइप का मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन हाँ इनके पास ऑप्शन था इसलिए मैंने ये लिया। 60 रुपया थोड़ा एक्सपेंसिव है लेकिन ठीक है चलेगा, कोई बात नहीं। ठीक है ट्रेन के हिसाब से ठीक है, थोड़ा सा जला जला टाइप का लग रहा है। सामने से देख लो इस चिकन पकौड़ा को, थोड़ा बहुत ये लोग ना मिर्च वगैरह भी मिक्स कर दिए है, अच्छा लग रहा है। ठीक है ये कंप्लीट करते हैं, फिर थोड़ा बहुत एडिटिंग भी है। भाई साहब टाइमिंग देखो 7:29 हो रहा है, अभी जस्ट हम लोग महाराष्ट्र एंटर हुए हैं और यहाँ पे आ गया है हमारा सूप, वही सेम टोमेटो सूप। ये क्या कर रहे हैं बाबा इधर देख रहे, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अगर होता है तो। ये सूप का तो टेस्ट मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है कैसा है कैसा नहीं है, वही वापस से टोमेटो सूप ही है। इसके जगह अगर कोई और सूप दे देते हॉट एंड सार या फिर स्वीट कॉर्न सूप वो ज्यादा बेटर होता। इसमें 8-15-20 कॉर्न डाल देने से हो जाता। वो जो आप लोगों ने देखा हम लोग सूप पी रहे थे, सूप पीने के बाद मैं अपने एडिटिंग पे लग गया और वैसे भी बाहर तो काफी डार्क हो चुका है इसलिए बाहर का कुछ दिखा भी नहीं रहा हूँ। इसका स्टॉपेज भी इतना कम है कि कोई स्टेशन में नहीं आ रहा है। अब एक ही बार जो इसका स्टॉप है ना वो डायरेक्टली नागपुर में है। वैसे टाइम देख लो अभी कितना हो रहा है, 9:11 हो चुका है, शायद एक या आधे घंटे ये ट्रेन लेट चल रहा है, मैं चेक करके बता दूंगा आपको। तो देख लो ये होने वाला है हमारा आज का डिनर, फ्राइड राइस है साथ में चिली पनीर है। यहाँ भी सेम फ्राइड राइस ही है बट यहाँ पे चिली पनीर की जगह चिली चिकन है और ये आज हम लोगों ने बोलकर बनवाया है। वैसे नॉर्मल चावल पनीर अंडा करी ये सब कुछ का तो ऑप्शन है ही इनके पास, लेकिन हम लोगों ने कहा कि हमें कुछ इंडो चाइनीज खाने का मन कर रहा है तो उन लोगों ने ये फ्राइड राइस चिली पनीर और नॉन वेज में चिली चिकन बनाकर दिया है। और साथ में देख लो यहाँ पे 2 गुलाब जामुन है, साथ में दही भी है। दही किस चीज के साथ खाएंगे पता नहीं, चाइनीज में दही का क्या ही कॉम्बिनेशन होगा। देख लो चिल्ली पनीर उनका कुछ ऐसा दिख रहा है, मुझे लग रहा है वो जो पकौड़ा वाला चिकन है ना वही है ये। वैसे फ्राइड राइस भी दिखने में काफी अच्छा लग रहा है, जबरदस्त भाई सच बता रहा हूँ, राइस तो एक नंबर लग रहा है। ये दुरंतो में हम लोगों को खाना एक नंबर मिला और खाने का ऑप्शन भी अच्छा अच्छा मिला और काफी अलग अलग टाइप का आइटम भी हम लोगों ने ट्राई किया। हमेशा तो आप लोगों को मैं वही दिखाता हूँ नॉन वेज और वेज में जो अलग अलग ऑप्शन होता है, वेज में पनीर का सब्जी और नॉन वेज में वही चिकन करी, लेकिन इस बार के इस फर्स्ट एसी के जर्नी में आप लोगों को हर कुछ एकदम अलग अलग देखने मिला। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिखने में ऐसा लग रहा है, इसका टेस्ट वाकई में काफी अच्छा है। फ्राइड राइस मैं वापस लूंगा और पनीर तो है ही सॉफ्ट। वैसे मुझे काफी लोगों का कमेंट आता है आप इतना पैसा ट्रेन में खर्च करके क्यों जर्नी करते हो, उतने में आपको फ्लाइट टिकट
मिल जाएगा, कम टाइम में वहाँ पहुँच भी जाओगे। फर्स्ट एसी में जो ये सब चीज का मजा है ना, वो आपको फ्लाइट में कभी नहीं मिल सकता। हाँ, आपको अगर जल्दीबाजी है तब तो मुझे भी फ्लाइट लेना ही पड़ेगा, अगर मुझे भी अगर कुछ ऐसा जल्दी रहेगा तो। लेकिन नहीं, मैं आया हूँ यहाँ पे अपना जर्नी इंजॉय करने के लिए। जैसे हम लोग वो जल्दबाजी था, जैसलमेर से अहमदाबाद डायरेक्ट आ गए, तो हम लोग वहाँ से फ्लाइट ले लिए। ठीक है, तुम जैसे बोले ना पूरा लाइट है, लेकिन इसमें क्या बोला तो थोड़ा सा चिली चिकन का फ्लेवर आ रहा है। वो एक तो जो सॉस देता है ना, वो सॉस का फ्लेवर आ रहा है। सोया सॉस, हाँ सोया सॉस का फ्लेवर आ रहा है। नमक ज्यादा है? नमक ज्यादा है। खैर कोई बात नहीं, वो हो जाएगा, उनको बोलने से वो चेंज भी कर देंगे, वैसे इतना तो पता है। ऐसा डिनर आपको कभी कभार ही देखने मिलता है, वो भी इंडियन रेलवे की तरफ से। हम लोग को बिरयानी भी बोल रहे थे वो, लेकिन हम लोग को बिरयानी खाने का मन नहीं था। वैसे भी हम लोग को पता है बिरयानी कैसे ही बनेगा। मैंने अभी अपने लिए फ्राइड राइस मंगवाया था, वो मिक्स वेज भी देकर गए हैं साथ में, ये भी देखकर तो काफी अच्छा लग रहा है। ये रोटी के साथ जबरदस्त जाएगा। वो जो दूर में आप देख रहे हो ना, वही है डायमंड क्रॉसिंग। तो अभी जस्ट हमारा डिनर कम्प्लीट हुआ और अभी टाइम देख लो कितना हो रहा है, 9:52। अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं नागपुर जंक्शन। बस हम लोग एंटर कर चुके हैं ये नागपुर जंक्शन। वैसे टाइम देख लो 9:56 में हम लोग पहुंच चुके हैं ये नागपुर जंक्शन। और ये जो डॉग देख रहे हो ना, ये हमारे जस्ट बगल वाले केबिन में ही है। अच्छा, यहाँ पे बायो टॉयलेट भी है। वैसे नागपुर हम लोग 1 घंटे लेट पहुंचे हैं, वैसे भी ट्रेन हमारा 1 घंटे लेट चल रहा है। हो सकता है रात में मेकअप हो जाए शायद। स्टेशन भी अब पूरा खाली हो गया, जब आया था तब थोड़े लोग भी दिख रहे थे, अभी थोड़ा खाली हो गया। अभी मैं अपने कोच पे आ गया हूँ और पापा को पीछे देख लो, पूरा घर का अलमीरा बना दिए, लाल ब्लू पीला हरा सब कुछ दिख रहा है वहाँ पे। वैसे शायद यहाँ 5 मिनट का हॉल्ट है नागपुर में। वैसे खाना पीना तो अच्छे से हो गया, बस थोड़ा सा वॉक कर लेता हूँ, उसके बाद मस्त एकदम नींद आएगा और एक ही बार नींद सुबह खुलेगा मेरा। ऑल राइट, तभी टाइम देख लो 10:05 हो रहा है और हमारा जो ट्रेन है नागपुर से निकल चुका है। भाई साहब, अभी जो हुआ, पहली बार ऐसा हुआ है कि ट्रेन जर्नी में मुझे डर लगा है। एक तो ये इतना झटका मार रहा है ना, इसका तो बात ही छोड़ दो। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि ट्रेन जर्नी में मुझे इतना डर लगा है। मैं यहाँ पे वीडियो एडिट कर रहा था, पीछे पापा इधर अपना कुछ फोन में कर रहे थे, एक अजीब सा स्मेल आया, लाइक कुछ जलने का ना, कुछ अजीब टाइप का बू आ रहा था। कांप रहा है मेरा हाथ। कुछ अजीब टाइप का जलने का बू आ रहा था। जैसे ही हम लोग अपने कूप से बाहर निकले, पूरे गैलरी में, जो गैलरी है ना, जो वॉक करने के लिए गैलरी है, पूरा धुएं से भरा हुआ था वो सिचुएशन, पूरा डर वाला सिचुएशन था, इसलिए मेरे पॉकेट से कैमरा नहीं निकला। हम लोग सोचने लगे कि भाई हुआ क्या अचानक से, क्योंकि 2-3 लोग दौड़ कर भी गए पहले, उधर इधर दौड़ दौड़ ही कर रहे थे पूरा घाट को खोजने के लिए। अभी एक वही फर्स्ट एसी के स्टाफ ही एक आए थे, तो वो भी बता रहे थे कि जो मेन आग लगने का रीजन होता है ना, यही होता है। अभी रात का 10:50 हो रहा है, अभी तक तो फिलहाल सबको जगा हुआ था, क्योंकि थोड़ी देर पहले
हम लोगों ने डिनर किया, ये जो अचानक से कोच में धुआं आने लगा, मैक्सिमम लोगों को इसी से पता चल गया कि हाँ कुछ तो कहीं पे आग लगा है। इससे क्या हुआ ना, सब इधर उधर भागने लगे चेक करने के लिए कि आग लगा कहाँ है। लेकिन सोचो यही चीज अगर रात के 2 या 3 बजे होता जब सब कोई सोया रहता तब क्या होता। तो यही मेन रीजन होता है ट्रेन में आग लगने का। एक्चुअली क्या होता है, ब्रेक पैड में वो पूरे तरीके से एकदम लाल हो चुका था, एकदम रेड। मेन क्या है, ब्रेक रिलीज नहीं हो रहा था, ब्रेक चिपक गया था ऐसे करके। वो जब तक रिलीज नहीं कर रहा था तब तक आग पकड़ के रखा था, ये हीट हो गया था ना पूरा लाल के। फिर भी अभी टेम्पररी उसको ठीक किया गया है, लेकिन अभी हाँ बाजू में कोई स्टेशन आएगा तो वहाँ ट्रेन को रोका जाएगा चेक वगैरह करने के लिए। अब तो ट्रेन और लेट होगा, अब पक्का 12-1 बज जाएगा। अंदर में बहुत सारे पैसेंजर्स से मेरा बात हो रहा था, सभी का यही कंप्लेन था बहुत झटका मार रहा है ये। तो ये भी एक रीजन है, ये जो आग वाला भी इंसिडेंट हुआ भाई, अभी हम लोग बात कर पा रहे हैं उस समय अलग ही सिचुएशन था। देखो अभी ट्रेन तो चल रहा है, मैं देख रहा हूँ जब से ये इंसिडेंट हुआ है ना तब से ट्रेन ऐसे ही धीरे धीरे चल रहा है। अभी जो आने वाला स्टेशन है ना वो दिखा रहा है रात के 1 बजे आएगा, जो कि है भुसावल जंक्शन। लेकिन जो हमारा ट्रेन है वो है लेट, तो इसका टाइमिंग दिखा रहा है कि ये सुबह के 3 या 3:30 बजे पहुंचेगा। एक काम करता है, भगवान का नाम लेकर सो जाता है। कोई नहीं, गुड नाइट, अब एक ही बार सुबह मिलते हैं। वैसे तो ये सब चक्कर में थोड़ा सा माहौल खराब हो गया, खैर कुछ कर नहीं सकते हैं। वैसे देख लो ये जो नाइट लैंप हम लोगों ने जला के रखा है, इतना अच्छा लग रहा है, देखो एकदम लग रहा है पर्सनल कमरा जैसा है एकदम। नीचे वहाँ पे मैंने लाइट जला रखा है, जब तक नींद नहीं आएगा तब तक एडिटिंग चलेगा मेरा। चलो भैया सो जाते हैं, चलो अब एक ही बार मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग में। गुड मॉर्निंग एवरीवन, जैसे ही मैं सोकर उठा मैं देखा हम लोग नासिक रोड स्टेशन क्रॉस कर रहे थे। देख लो अभी टाइम 6:35 हो रहा है, लेकिन अभी तक प्रॉपर सनराइज नहीं हुआ। वैसे बाहर का जो मौसम है ना क्या प्यारा लग रहा है, ये विंडो के रिफ्लेक्शन से प्रॉपर दिख नहीं रहा है, बाहर जाकर दिखा रहा हूँ। यहाँ वैसे स्टॉप तो नहीं है लेकिन पता नहीं क्यों रोक दिया गया इसको। तो अभी हमारा ट्रेन जो है इगतपुरी स्टेशन में रुका हुआ है। वैसे अभी देख लो सुबह का चाय आ चुका है हमारा, चाय नहीं कॉफी लिया हम लोगों ने, लास्ट ये बस कॉफी ही मिलेगा। अभी यहाँ से जो मुंबई है 150 लगभग किलोमीटर बचा हुआ है। मान लो ट्रेन लेट हुआ, नहीं मिलेगा तभी नहीं मिलेगा, ये तो गलत है। शायद हो सकता है खरीद के मिले, वैसे मिल जाएगा लेकिन फ्री वाला तो नहीं मिलेगा। फ्री वाला देना चाहिए ना, अगर तुम्हारे वजह से लेट हो रहा है तो फ्री में देना चाहिए। हाँ जी, तो अभी बैक टू बैक टनल आने वाला है, अभी लग रहा है कोई ट्रेन पास करेगा इसलिए रुका हुआ है ये ट्रेन। हमारे बगल से अभी गोरखपुर एक्सप्रेस क्रॉस किया। वैसे जब मैं सुबह आया था ना शॉर्ट लेने के लिए बाहर, काफी ठंड लग रहा था। चलो फाइनली हमारा ट्रेन निकल चुका है गोरखपुर एक्सप्रेस को पास देकर। भाई फर्स्ट टाइम मैं ऐसा रेलवे ट्रैक देख रहा हूँ, फर्स्ट टाइम। ऑल राइट, तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कसारा, ये बगल से जा रहा है हाईवे। तो
बस हम लोग मुंबई एंटर हो ही गए हैं। अभी हम लोग थाने में, और ये मुंबई का लोकल ट्रेन, बस ज्यादा नहीं यहाँ से और 30-40 किलोमीटर रह गया है। थाने के बाद तो ये जो ट्रेन है ना एकदम रुकते रुकते जा रहा है, क्योंकि अभी एकदम ऑफिस टाइम, अभी लोकल ट्रेन को ज्यादा पास कराया जा रहा है। अगर ये थोड़ा अर्ली मॉर्निंग पहुंच जाता ना अपने टाइम में 8:30 बजे, तब शायद ये चीज नहीं होता। फिलहाल बाहर तगड़ा वाला धूप है, ट्रेन काफी लेट था, और जो रात में इंसिडेंट हुआ भाई साहब, थैंक गॉड कुछ हुआ नहीं। वैसे ये जो ट्रेन है 2 घंटे लेट है। बाकी यहाँ से बाहर निकल के मेरा एक मस्त होटल में स्टे करने का प्लान है, जिसका वीडियो आप लोग को इसके बाद मिल जाएगा। वैसे आप लोग कमेंट सेक्शन में गेस कर सकते हो कि कौन से होटल में मैं स्टे करने वाला हूँ। कमाल का होटल है, आप लोगों को शायद पसंद भी आएगा। वो आपने वीडियोस भी देख रखे होंगे बहुत सारे। हम लोग अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने ही वाले हैं, और एक चीज मैंने नोटिस किया मुंबई के लोकल का, भाई हर सेकंड में एक एक लोकल मुझे दिख ही रहा है। हमारे ठीक सामने आसनसोल मुंबई है। चलो स्टेशन पहुंच गए, सामान लेकर आते हैं। हाँ जी, तो हम लोग मुंबई पहुंच चुके हैं, ये देख लो, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। अच्छा टर्मिनल सही, मैं टर्मिनल से बोले जा रहा था। फिलहाल अभी हम लोग का यहाँ से प्लान है होटल लेने का, तो अभी जाते हैं बाहर। अगर आप लोग यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो, ये जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। और पापा, इधर रात वाला इंसिडेंट याद रहेगा, जिंदगी भर याद रहेगा, कभी नहीं हुआ हम लोग के साथ ऐसा। चलो कोई नहीं, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। Ella quiere